शांति। आज 6 जून अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, जिनका सार है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। बाबा ने कहा, आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी हैं, सदा नहीं हैं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं, जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई तो नंबर वन है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप धारी आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। दो मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए दो की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर वन सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर वन आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता,
सफलता प्राप्त होती है, संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर वन, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर वन आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर वन आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज़्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते हैं। इस कारण नंबर वन आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते तो नंबर वन आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता कि पता नहीं ठीक किया या नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर वन आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर वन आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर वन आत्मा हर कर्म में
बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर का अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में सेवा में व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं, ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है अवज्ञा। एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं, जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म योगी बनकर के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है।
इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना, इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं करते हैं, इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है। नंबर वन आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, बाकी नंबर टू कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर टू, और दूसरे नंबर माला के हो गए, तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। आज्ञा ही बाप के कदम हैं, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती हैं ना, ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ, बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर वन आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुए आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहाँ जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है
तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएंगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है तो अपना घर और अपना स्वर्ग राज्य दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना? ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है ना? अगर थोड़ा धोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा? क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए, मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोतरा बीमार होगा कभी धोतरा, कभी धन की समस्या आएगी कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, यह तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगा रहे जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का ही अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना? जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। कुमारों से बाबा ने बात की है, कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हरेक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उन्होंने चलन से चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों। ऐसी कमाल करके दिखाओ,
कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? वरदान है आज प्यारे बाबा का, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा ने विस्तार किया, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हरेक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति, तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है आज, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। अच्छा, ओम शांति।